हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक इवनिंग स्नैक बनाएंगे, बीटरूट कटलेट्स। ये बीटरूट कटलेट्स खाने में इतने टेस्टी लगते हैं कि आप बच्चों से लेके बड़ों तक एंजॉय कर सकते हो। बीटरूट इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। ये हमारा डाइजेशन इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, इट्स गुड फॉर योर स्किन और इसके ढेर सारे फायदे हैं। ये कटलेट्स हेल्दी तो है ही पर खाने में भी उतने ही टेस्टी है। तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने दो बड़े बॉइल्ड आलू लिए हैं। इन आलू को मैंने हल्का सा ग्रेट कर लिया है ताकि कटलेट खाते वक्त वो आलू के पीसेस ना लगे। अब इसमें डालेंगे एक बड़ा बीटरूट। ये बीटरूट मैं ग्रेट करके डाल रही हूँ, प्रिफरेबली फाइन ग्रेटर पे ग्रेट कर दीजिए। ये बीटरूट बॉइल्ड नहीं है, जैसे हम सैलड्स के लिए बीटरूट ग्रेट करते हैं वैसे ही मैंने यहाँ पे ग्रेट करके डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे एक छोटा गाजर ग्रेट किया हुआ, फिर इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज प्याज फाइनली चॉप किया हुआ। मैंने ऑलरेडी अदरक लहसुन हरी मिर्च और धनिया के पत्तों का एक थिक पेस्ट बना के रखा था, तो ये पेस्ट हम 1 से 1.5 चम्मच इसमें डाल देंगे। फिर इसमें डाल दीजिए 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच मालवणी मसाला। इसकी जगह पे आप 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। फिर डाल दीजिए 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और करीबन 1/2 कप ब्रेड क्रम्स डाल दीजिए। और अभी इन सब को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपने देखा ये मिक्सचर में हमने बीटरूट के साथ गाजर भी डाला है और आप आपके चॉइस के और भी वेजिटेबल्स इसमें डाल सकते हो। इसके आप कटलेट्स बना के आप एंजॉय कीजिए, मेहमानों को सर्व कीजिए और स्पेशली शाम के चाय के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। हमारा कटलेट का मिक्सचर रेडी हो गया है। अब साइड में हम कॉर्नफ्लावर और पानी का घोल बना लेंगे। अब ये कटलेट का मिक्सचर ले और उसका एक राउंड बॉल बना लीजिए, हल्का सा प्रेस कर दीजिए, कॉर्नफ्लावर के मिक्सचर में डिप कर दीजिए और इसे ब्रेड क्रम्स में डाल के अच्छे से कोट कर दीजिए और साइड में रख दीजिए। अब यहाँ पे मैं एक टिप देना चाहूंगी, अगर आपका कटलेट का मिक्सचर ऑलरेडी मॉइस्ट है क्योंकि हमने उसमें ग्रेटेड बीटरूट डाला है, गाजर डाला है, दोनों का अपना अपना पानी ये मिक्सचर में ऑलरेडी है, तो हमें ये कटलेट कॉर्नफ्लावर में डिप करने की जरूरत नहीं है। आप ये कटलेट सीधा ब्रेड क्रम्स में कोट करके साइड में रख सकते हैं। बट अगर आपके पास टाइम है और आपने ये कटलेट का मिक्सचर फ्रिज में रखा है ताकि आप थोड़ी देर बाद बना सको, तो फ्रिज में रखने से ये जो कटलेट का मिक्सचर है ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा और जब भी आप ये मिक्सचर के बॉल्स बनाओगे तो उसे आप कॉर्नफ्लावर में डिप करके ब्रेड क्रम्स में कोट कर दीजिए। अभी चलिए हम ये कटलेट्स को शैलो फ्राई करते हैं। गैस पे एक फ्राइंग पैन रख दीजिए गर्म होने के लिए। फ्राई करने के लिए ऑयल डाल दीजिए, ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए फिर इसमें हम हमारे बनाए हुए कटलेट्स डाल देंगे। गैस को मीडियम फ्लेम पे रखना है, हाई फ्लेम पे रखोगे तो जो बाहर का ब्रेड का कोटिंग है वो जल जाएगा और अंदर से ये कटलेट्स ठीक से पकेंगे नहीं। कटलेट्स दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लें और अगर आपको लगे इसकी नीचे की साइड फ्राई हो चुकी है तो इसे फ्लिप कर दीजिए। वाव, आप देख सकते हैं ये बीटरूट कटलेट का बहुत ही स्वीट पिंकिश कलर आया है। ये दिखने में जितने अट्रैक्टिव है उतने ही खाने में चटपटे। बस दोनों साइड अभी अच्छे से फ्राई हो जाए फिर इसे निकाल दीजिए। आपने देखा कितने झटपट बन जाते हैं ये कटलेट्स। मैंने ये कटलेट शैलो फ्राई किए है, वैसे अगर आपको चाहिए तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और ये लीजिए, हमारे ये बीटरूट कटलेट्स खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। तो देरी किस बात की, घर पे फटाफट ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये कटलेट्स कैसे लगे। क्रिस्पी गरम गरम बीटरूट कटलेट्स एंजॉय कीजिए केचप के साथ या फिर पुदीने की चटनी के साथ। ये देखिए, बाहर से जितने क्रिस्पी है अंदर से उतने ही सॉफ्ट है। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टिल देन टेक केयर, बाय।